उससे पहले रात ही मेरी 10 बजे रात हुई, दिल्ली से वापसी आ रहे तो हापुड़ में थे 10:30 बजे लगभग, बाबूगढ़ पर खाना वगैरह खाया उन्होंने 11:30 बजे उतर से ही। पुल से उतरने के बाद सड़क पर पड़ी हुई ईंटें के चक्कों में गाड़ी खड़ी है, इंजन मतलब ख़त्म हो चुका है, कुछ भी गाड़ी में बचा नहीं। पूरा मामला क्या है? मामला यह है, शनिवार के 16 मिनट टाइम मूल 5 बजे निकले थे करीब, और उसके बाद शाम को रात को 1:30 बजे फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है 4 लोगों का, इसमें 3 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई और एक यहाँ गंभीर है। उनके खबर सुनते हम तुरंत रात में 9:45 बजे उतरे इनोवा से, फिर यहाँ आके देखा 16 बजे टाइम ऐसा तो बता रहे हैं कि ब्रिज से जैसे ही नीचे के आए थे, आने के बाद तुरंत की चट्टान थी ईंटों की चट्टान में पता नहीं किस तरीके से गाड़ी भिड़ी, पता नहीं कोई ओवरटेक की चक्कर में भिड़ी या कैसे, हमें जानकारी नहीं है। और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को संत बताया और कहा कि मेरी उनसे कोई तुलना नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री उमा भारती से जब ये पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका स्थान लेंगी, तो उन्होंने कहा कि वो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना मत करिए, मैं तो सिर्फ एक साधारण और मूर्ख प्राणी हूँ। और खबर बांदा से, जहां भज्जू का पूर्वा निवासी अंगद की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली, जिस पर थाना देहात कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक के बड़े भाई जगजीवन ने थाना कोतवाली देहात में अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर देहात कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक ताराचंद पटेल और उनकी टीम ने इस घटना के संबंध में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को महोखर चौराहे से गिरफ्तार किया। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अंजाम दिया, और घटना को सड़क किनारे अंजाम दिया गया, वहां पर फेंक दिया गया मृतक को। इस खुलासे के बारे में अपर एसपी ने बताया कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है। मृतक की पत्नी सुनीता थी, इनका किसी प्रेम बाबू वर्मा नाम का आदमी था, उनसे इनका परिचय था, और दोनों ने मिल करके ये सुबेरे ये लोग गए थे खेत में, और वहाँ गेहूँ काट रहे थे। उस दौरान इन दोनों ने मिल करके अचानक मृतक को दबा लिया, दबोच करके, और उसका गला गमछे से घोंट दिया और उसकी हत्या करके और शव को। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जिला स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां जब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम ने पहुंचकर जांच की तो 11 बच्चों के दिलों में छेद पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ये सभी बच्चे सदर ब्लॉक के बताए जा रहे हैं, इनकी उम्र महज 2 साल से लेकर 14 साल तक ही है, इसमें से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। वहीं दिल के छेद से जूझ रहे ऐसे ही एक बीमार विद्यार्थी के परिजनों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार से उम्मीद है कि उनके बीमार बच्चों का इलाज ठीक से कराया जाए, गरीबी की वजह से उनका अपने बच्चों का इलाज कराना मुश्किल है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम इन सभी बच्चों का लखनऊ और अलीगढ़ में इलाज कराने की बात कह रही है। इतना ही नहीं, महाराजगंज सीएमओ का कहना है कि दिल में छेद एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ एक ही इलाज ऑपरेशन है। सीएमओ का कहना है कि इन बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग इनकी हर मुमकिन मदद करेगा। इसके दिल में छेद है, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इसको मदद करने के लिए और हमारा लड़का ठीक हो जाए, और सरकार से यही गुजारिश है कि उसके दिल में छेद है, उसके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, सरकार से यही हमारी गुजारिश है, सरकार हमको अच्छे से कर दे, लड़का हमारा ठीक रहेगा, हमको इसी में खुशी है। जनपद महाराजगंज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीमों के द्वारा पूरे 11 बच्चों की जांच हुई है, चिन्हित किए गए हैं जिनके दिल में छेद है। ये बीमारी जन्मजात होती है,
इन बच्चों को हम लोग अपने सुपरविजन में रखे हुए हैं और इसमें चार बच्चों को हमने अलीगढ़ भेजा हुआ है, जहां उनका इलाज के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, वहां टाइम मिल गया है, उनका ऑपरेशन हो जाएगा। बाकी बच्चे ब्लॉक लेवल पर चिन्हित हो गए हैं और जिले से रिफर होने हैं, जिनका पूरी तरह से इलाज होकर ठीक। की हर ब्लॉक में टीमें हैं, उनके द्वारा विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की जाँच की जाती है। जनजात बीमारियाँ जिनमें पाई जाती हैं, उनका के जी मेडिकल लखनऊ तथा AMU अलीगढ़ में उनका इलाज कराया जाता है। पूरे जनपद में 11 बच्चे पाए गए हैं जिनके दिल में छेद पाया गया था, उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। बाकी 10 बच्चों में, 2 बच्चों का KG में और 2 बच्चों का AMU में उपचार के लिए कार्रवाई चल रही है। बाकी बच्चों के लिए यहाँ से आवश्यक अभिलेख तैयार कर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गाजीपुर कस्बे में राजनाथ सिंह ने BJP उम्मीदवार और पूर्व सांसद नितरंजन ज्योति के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही अपनी पार्टी के 5 सालों में किए गए कामों का हवाला देते हुए कहा कि बीते 5 सालों में BJP ने बहुत सराहनीय काम किए। उन्होंने पिछली UPA सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि इससे पहले गरीब जनता को सिर्फ आश्वासन दिया जाता था, उनके हित के काम कभी नहीं किए गए और आज हमारे दौर में हर गरीब को उसका हक मिल रहा है और विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने जनता से अपील की कि आप किसी के बहकावे में ना आए और अपना वोट उसे दें जो आपके लिए विकास के काम कर रहा है, आपको विकास के रास्ते पर ले जाए। बांदा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी हीरालाल सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से लगातार 2 महीनों से अभियान चला रहे हैं। शहर के सेंट मैरीज इंटर कॉलेज में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। जिलाधिकारी के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के काम की तारीफ 25 तारीख को बांदा पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंच से की थी। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूर्व में बांदा जिले का वोटिंग प्रतिशत 50 के ऊपर नहीं गया था, वहीं निर्वाचन आयोग का प्रतिशत मतदान कराने का आदेश जिले के सभी जिलाधिकारियों को सख्ती के साथ पालन करने के लिए कहा गया है। भाग ले और वोट डाले कि हमारे लोकतंत्र का और मजबूत करें, ऐसे इस वोट को डालना हमारे अधिकार है, एक विशेष अधिकार है। इस महापर्व मतदान है, इसमें सब लोग भाग ले और हमारा बांदा जिले में जितने लोग हैं जाकर इसको प्रयोग करें, इस्तेमाल करें कि इस अधिकार को इस्तेमाल करें, ताकि 90% 90%+ लोग जाकर वोट डालें और हमारे भारत को और लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद। नेचुरल सी बात है, ये स्वाभाविक बात है कि जब तारीफ होती है तो सभी खुश होते हैं, तो इसमें हमसे ज़्यादा खुश तो हमारे जो टीम के मेंबर हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं बांदा के, सबने काम किया है, जनता ने भी काम किया, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस अभियान से नहीं जुड़ा। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम की, इस अभियान की तारीफ की है, तो मुझसे ज़्यादा खुशी तो मेरे जनपद वासियों को है कि उनके अच्छे काम की। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें Energic 31 दीजिए। Energic 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए Energic 31 कैप्सूल। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी
हमारी पैनी नजर राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। उद्गम पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट नंबर 9125713811, नियर बचपन ए प्ले स्कूल, हनुमान कॉलोनी, बाकुला रोड, पड्रोना। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। Combat Sports Shoes brings out the best in you. और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर है, बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां सुहागनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्डिंग निर्माण के दौरान मिट्टी की धाय भर भरा कर गिर गई। हादसे में काम कर रहे करीब 5 मजदूर मिट्टी में दब गए। मजदूरों की चीख पुकार पर भीड़ इकट्ठा हो गई और दबे मजदूरों को निकालने में लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही थी। सनी, कहाँ काम कर रहे थे तुम? हम इधर काम कर रहे थे और मट्टी डाल रहे थे, हमको बार बार के दे रहे थे। 5 लोग थे नीचे, 5 लोग ऊपर थे, जो एकदम मट्टी उन्होंने भर दिया, फिर वो मट्टी धसक दी है, 5 लोग उसमें दबे। 5 लोग अंदर दबे हुए हैं। किस तरह की हालत है और किस तरह की कंडीशन? देखिए, ऐसा कि मैं अभी अभी वहीं से सुहागनगर से आ रहा हूँ साइड से, तो वहाँ के सब बताया गया था कि 5 मजदूर इसमें दबे हुए हैं, जिसमें से 4 निकाले जा चुके हैं। तो जो 4 मजदूर हमारे यहाँ आए थे उसमें 2 तो डॉट डेड थे, वही एक्सपायर हो गए थे। क्या मामला है? ये दक्षिण थाना क्षेत्र में सुहागनगर चौकी क्षेत्र में LIC बिल्डिंग के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, जिसके नींव की, बेसमेंट की नींव की खुदाई का काम चल रहा था और करीब ये ग्राउंड लेवल से 15-20 फीट नीचे मजदूर काम कर रहे थे और अचानक जो है मिट्टी जो ऊपर वाली थी उसकी ढाप पूरी उन मजदूरों के ऊपर गिर गई। तो इस पूरे घटना में करीब 5 मजदूर जो है दब गए थे मिट्टी के नीचे। करीब 4 बजे की घटना थी, तत्काल इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें, और NDRF की टीम को भी कॉल कर लिया गया वो रास्ते में, बट लकली इसमें 4 घंटे के कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को निकाल लिया गया, 5 लोगों को, और उनको तत्काल अस्पताल भर्ती कर दिया गया। सर, इसमें इस मामले पूरे में किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी? जो भी इसमें दोषी लोग हैं जो जांच के बाद निकल गए। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नशे में धुत पुलिस कर्मी का कारनामा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार मंझगवा थाने की जीप से एक घर के बाहर खेल रहे 8 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया और मासूम को सड़क पर तड़पता छोड़कर वहां से फरार हो गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और मासूम की हालत नाजुक देखते हुए उसे झांसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो थाने में तैनात भारी पुलिस बल ने लाठी चार्ज कर पब्लिक को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। पब्लिक ने अपने बचाव में जमकर पत्थर बरसाए। ये था अभी कितों पर्दा डाले, पार्टी के डिब्बे भी रखे हुए हैं, ये कुछ भी पर्दा डाले जो भाग क्यों गया, कौन उसको कोई खाए लेता था कि मारता, कम से कम मान होता यही होता कि बच्चा का वो हो गया तो देखता कम से कम भाग क्यों गया, चोरी से चोरों की तरह भागा। कहना चाह रहे हैं राधा नाम लड़का का 8 साल का बच्चा है, नमकीन लाल लाया था दुकान में, इसने महागाड़ी मारी पुलिस वाले ने फिलहाल के बच्चा को मार लिया, दारू पिए हूँ पुलिस वालों, दारू पिए तो पुलिस वाले बच्चा को जान सकते तो जनता क्यों नहीं को जान सकती। बच्चे की क्या हालत है, क्या हालत है, बच्चे कर रहा खून की बच्चा, हमारे बच्चा की हमें तो बच्चा चाहिए। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां हजरतगंज थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 24 वर्षीय अरविंद निषाद ने प्रेमिका के बात ना करने पर युवती और उसकी मां के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद युवक की धमकी पर बौखलाई युवती ने खुद ही माचिस जलाकर युवक को आग लगा दी। आग लगाने के बाद युवती और उसकी मां युवक को जलता छोड़ अपने घर चलते बने। इस घटना को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित किया और उसके बाद आग को बुझाया। वहीं युवक के परिजनों ने आग बुझाकर अरविंद को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया, जहां वो युवक एक हफ्ते से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं घटना के बाद पीड़ित के घर वाले सप्ताह भर से FIR दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मामले लड़की का मामला हुआ है, हमारी लड़की और लड़के का प्रेम संबंध में ये मामला हुआ है। झुलसा है वो कौन है आपका? वो हमारा लड़का है और लड़के ने आपस में हिसाब होने में अपने ऊपर उसने पेट्रोल डाल दिया और लड़की ने आगे लगा माचिस जला कर फेंक दिया उसके ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर मोहल्ले वाले आए, उन लोग जब चिल तोबा हुई तो वो लोग आए ऊपर तो देखा तो माँ बेटी दोनों ऊपर ही थे। फिर हम लोग लड़के को लेके सीधा हॉस्पिटल भागे, फिर मोहल्ले वाले लेडीज लोग को नीचे लेके गए। फिर उसके बाद हम लोग जो है सीधा हॉस्पिटल लेके आए सिविल, वहाँ पे इसको एडमिट कराया, वहाँ डॉक्टर ने इसको सीरियस बता दिया, 65% जल चुका है वो। कैसी कंडीशन है उसकी? कंडीशन आज डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया। पुलिस का क्या मामला? पुलिस का मामला ये था कि पुलिस के यहाँ जब हम लोग गए तो उन्होंने मतलब हम लोग के FIR लिखना। खबर असम के जोरहाट से, जहां पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार रात करीब 10:30 बजे जोरहाट में स्थित दास एंड कंपनी के बाहर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। उस दौरान 4-5 लोग आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। तब पत्रकार वहां से भाग निकला और सदर थाने में आकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो वहीं जोरहाट पुलिस ने मारपीट करने वालों में से एक शख्स को पकड़कर थाने ले आई। जोरहाट पुलिस का कहना है कि बाकी लोगों की खोज जारी है। दरअसल असम के कई जिलों में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। असम के नलबारी और तिनसुकिया में पत्रकार के ऊपर अज्ञात दुर्वृत्तों द्वारा प्रहार करने और मारपीट करने की घटना की सनसनी खत्म ही नहीं हो रही थी कि आप जोरहाट में भी एक घटना सामने आई है। जोरहाट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम के अध्यक्ष तथा एक व्यक्तिगत खबरिया चैनल के जोरहाट के पत्रकार राजीव बोरा के ऊपर कल रात लगभग 10:30 बजे कुछ अज्ञात दुर्वृत्तों ने प्रहार करने के बाद अब मामले ने पूरा जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि हम अभी मौजूद है जोरहाट सदर थाना में और यहाँ पे पूरे जोरहाट के मीडिया वर्ग यहाँ पे मौजूद है और हम बता दें कि कल रात की घटना के बाद जोरहाट में जैसे अब सनसनी का माहौल बरकरार है और हाल ही में मालूम हुआ है कि जोरहाट पुलिस अध्यक्ष की नेतृत्व में एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी इस घटना से जुड़े बाकी और जितने 3 आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। इस मामले को लेकर हम कई व्यक्ति से बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जोरहाट के, आपसे जानना चाहते हैं कि देखा जाए तो राज्य में पत्रकारों के ऊपर आक्रमण की घटना संघटित हुई है, जोरहाट में इस बार घटना हुआ है, क्या कहना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को क्या होना चाहिए पत्रकार को लेकर? देखिए ये जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय घटना हुआ है और इसके विषय में पूरी का पूरी ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और
जो सांबादिक है उसका जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार का एक जमींदारी है, सरकार का एक राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उसको एक दायित्व है कि सांबादिक का जो सुरक्षा है वो निश्चित करे। जी यहाँ पे फिर मांग उठी है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई थी। और असम के नगांव में एक व्यक्ति को ड्रग्स के साथ हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम जोहिरुल आली है। इसके पास से 22,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि नगांव नगर पुलिस के अभियान में 24 घंटे में 3 ड्रग्स माफिया गिरफ्तार हुए हैं। शुक्रवार की शाम पांसे रोड के साईफुल इस्लाम को नशायुक्त टैबलेट के साथ गिरफ्तार करने के बाद शनिवार दोपहर क्रिश्चियन पट्टी के दीपू अहमद नामक ड्रग्स माफिया को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। फिर उसी दिन शाम को नगांव पुलिस ने ड्रग्स के साथ जहीरुल आली को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ड्रग्स माफिया लंबे वक्त से नगांव में इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहे नेशनल लाइव। नमस्कार। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहाँ है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। Combat Sports Shoes brings out the best in you. बढ़ती उम्र की कसर, तन्हाई की तड़प, ना को प्रा ना को प्यार, ना माँ ना पियो ना घर पीछे कोई। ये मेरे पिंजरे के पास ही जाना है। भाग गई।
अकेलेपन को लेकर लोगों और जानकारों की अलग अलग धारणाएं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने दिमाग को शांति देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए शादी न करने का ट्रेंड इन दिनों चरम पर है। बहुत से युवा प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर डूब जाते हैं कि परिवार उन्हें बोझ लगने लगता है। पैसा कमाने की ललक में वो अपनी जिंदगी को अकेले बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। जहां ना कोई रोक टोक हो ना जिम्मेदारियों का दबाव, ना मियां बीवी की झड़प हो ना बच्चों की टेंशन, बस मैं और मेरा करियर, यही सोच आज के युवा अपना रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में प्रोफेशन से ज्यादा परिवार की जरूरत महसूस होती है। बुढ़ापे में इंसान इस कदर कमजोर हो जाता है कि वो काफी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इस आने वाले कल के बारे में सोच पाते हैं। यही वजह है कि आज के आधुनिक समाज में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की तादाद काफी बढ़ रही है।